अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायो का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन, और उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। आजकल लेक्चर नंबर आपका 4 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो उसका कर लिया हुआ था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत आसान है और आपको मतलब ईजी है। आप लोग इससे पहले भी चैप्टर में हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन पोलिनेशन डिफरेंशिएट बिटवीन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर। इसमें सबसे पहले आपने पोलिनेशन को डिफाइन करना है, मतलब पोलिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने फ़र्क बयान करने इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में और विंड पोलिनेटेड फ्लावर में। तो बेटा सबसे पहले जब आप पोलिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये आपने सेम डेफिनेशन वही लिखनी है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में करवाई गई है। तो इसको हम अगेन देख लेते हैं। पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, सिंपली हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर्स में से निकल के किधर जा गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। एंथर्स जो होते हैं मेल पार्ट में कंसीडर किए जाते हैं और स्टिग्मा फीमेल पार्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर कैरी टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। कैसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं, उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। यह आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने इसमें डिफरेंस करना स्टार्ट करना है। बेटा आप लोगों ने अगर बुक में टॉपिक आपको याद हो पोलिनेशन बाय विंड एंड पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, तो उसके लिहाज से हमने इसको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करना है। जैसे आप लोगों ने विंड जो पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फीदरी होते हैं, मतलब उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो हवा के साथ इजीली मूव कर लें। और उसके अलावा आपने देखा कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं वो चिपकने वाले होते हैं ताकि वो बर्ड्स की चोंच के साथ आराम से चिपक जाएँ, या फिर बर्ड्स की बॉडी के सॉरी बर्ड या इंसेक्ट की बॉडी के साथ आसानी से चिपक जाएँ और पोलिनेशन का प्रोसेस ईजीली हो सके। इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा था कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें जो एंथर स्टिग्मा वगैरह होता है वो फ्लावर से बाहर हैंग आउट हो जाते हैं, लटके होते हैं बाहर, और उनके जो फ्लावर होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो बस इसी के लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आपने डिफरेंशिएट करना है तो ये टेबल फॉर्मेट आपने इसको लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है फीचर्स। फीचर्स हम कहते हैं करेक्टर्स, कि किन किन करेक्टर्स की बुनियाद पर हम इनमें डिफरेंस करेंगे। यहाँ आपने शो करना है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और यहाँ विंड पोलिनेटेड फ्लावर। तो सबसे पहला फीचर जिसकी बुनियाद पे हम इसमें डिफरेंस करने वाले हैं वो है इसका साइज़, मतलब साइज़ कितना है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं नॉर्मली लार्ज होते हैं साइज़ में, और विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं स्मॉल होते हैं साइज़ में। तो सबसे पहले डिफरेंस का ईजी आ जाता है कि इंसेक्ट पोलिनेटेड का जो पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है और विंड पोलिनेटेड का छोटा होता है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न सिंपली ये है कि विंड पोलिनेटर जो है बेसिकली उसको पोलिनेशन करवाने के लिए हवा की ज़रूरत है। अगर फूल बड़े बड़े होंगे तो वो हवा के साथ मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे फूल होंगे तो वो हवा के साथ इजीली मूव कर पाएंगे, ऐसी है ना। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद आपका बाकी डिफरेंसेज आ सकते हैं। दूसरा डिफरेंस आप लेंगे करेक्ट कलर की बुनियाद पर, मतलब सेकेंड आप फीचर लिखेंगे कलर। बेटा जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें डल कलर होते हैं। कलर जो होते हैं वो कलर्ड पार्ट कौन से होते हैं? पेटल्स ही होती हैं ना, पत्तियां जो होती हैं फूलों की। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड में ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, मतलब इसमें ब्राइट ब्राइट कलर्स होते हैं। आप डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखते हैं, रेड येलो और शॉकिंग पिंक, इस तरह के कलर्स। और यहाँ पर पेटल्स जो होती हैं वो डल डल कलर की हो सकती हैं या सिंपल ग्रीन कलर की हो सकती हैं। इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो होते हैं वो उन फ्लावर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनको खिले खिले कलर्स उनको ज़्यादा पसंद आते हैं, उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो विंड वाले जो होते हैं उनकी तरफ उनके डल कलर्स होते हैं, तो इंसेक्ट वहाँ मूव नहीं करते, वो सिर्फ विंड के थ्रू ही पोलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेक्टर। नेक्टर किसे कहते हैं भला? नेक्टर में कहा था एक स्वीट सोल्यूशन होता है, लिक्विड टाइप मटेरियल होता है जो कि नेक्टरी में प्रेजेंट होता है ओवरी के पास, और इसको ही लेने के लिए इंसेक्ट्स फ्लावर के पास आते हैं। तो इंसेक्ट आते हैं ना, तो इसलिए जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो वाले फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। विंड पोलिनेटेड में क्योंकि इंसेक्ट आते ही नहीं है तो वहाँ पर नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता। दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर एंड दीज फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आ जाता है फ्लावर का।
जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो सीधे होते हैं, उनका फेस अपवर्ड होता है, ऊपर की जानिब होता है, और जो विंड पोलिनेटेड होते हैं उनका फेस डाउनवर्ड होता है, मतलब उल्टे होते हैं, जिसको हम कहते हैं हैंग, मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ उनका फेस होता है। लास्ट डिफरेंस आ जाता है पोलन ग्रेन्स। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स हैवी होते हैं और स्टिकी होते हैं, स्टिकी मतलब चिपकने वाले होते हैं, हैवी मतलब वजनी होते हैं। जो विंड पोलिनेट होते हैं उनके स्मूथ सरफेस वाले होते हैं, मतलब उनकी कुछ इस तरह की चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती कि वो उसको चिपक सके किसी के साथ, और ना ही वो हैवी होते हैं। तो ये हैवी और स्टिकी होने का मकसद ये कि ये किसी भी बर्ड या इंसेक्ट के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं, लेकिन जो विंड के हैं वो स्मूथ होते हैं क्योंकि उनको किसी के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली विंड के साथ मूव कर जाते हैं। तो बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसको आपने प्रॉपरली मतलब लिखना भी है, इसको प्रेजेंट करना है अपनी नोटबुक पे, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपने इसी तरह से इसको कंप्लीट लिखना है। इसमें से कुछ भी स्किप करेंगे तो उसकी वजह से सारा क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो सबसे पहले आपने पोलिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आपने इसके फीचर्स, डिफरेंट फीचर्स की बुनियाद पर हमने इसमें डिफरेंस किया। सबसे पहले जाता है साइज, उसके बाद आता है कलर, नेक्टर, फ्लावर एंड पोलन ग्रेन्स। ये 5 डिफरेंसेस आपको मस्ट एक्सप्लेन करने हैं, देन ही आप इसमें फुल मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, और डायरी में भी आप लोग यही नोट करेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक पर भी नोट करना है, और इसको आपने लर्न भी करना है। होपफुली आपने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो नोट भी कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। तो आज की जो डायरी है वो आप लोग यही नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑन नोटबुक प्लस लर्न। तो आज के लिए बस यही, ओके, अल्लाह हाफिज़।